सो दिस इज राइडर 125। सो देखेंगे एक एक चीज को यहाँ पे डिस्क्राइब करेंगे। यहाँ पे कीक अवेलेबल नहीं है। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज मयूर भाई सर, यू नो, आपका दोस्त, आपका होस्ट। तो इंडिया में जो न्यू बाइक लॉन्च हुई है जिसका नाम है टीवीएस राइडर 125, तो इस वीडियो में हम इस बाइक का पूरा रिव्यू देंगे आपको। क्या है इस बाइक का लुक, क्या है इस बाइक के न्यू फीचर्स, और क्या है इसके एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, और मेरा क्या ओपिनियन है इस बाइक को लेकर, देखेंगे इस वीडियो में। सो विदाउट एनी वेस्टिंग ऑफ टाइम, लेट्स स्टार्ट। तो ये रही हमारी टीवीएस राइडर 125 की जिससे हम ऑन करेंगे। ओके, सो गाड़ी हमारी यहाँ पे खड़ी है, बहुत ही प्यारी दिख रही है भाई। सच में बताओ ना, बहुत खतरनाक लुक दिख रहा है इसका। तो वैसे इस बाइक के कलर के बारे में आपको बताओ, तो ये गाड़ी 4 कलर में अवेलेबल है, रेड, ब्लैक, ब्लू एंड येलो। तो हमारे पास जो है वो येलो कलर की है, तो येलो कलर बहुत हाईलाइटेड है ना, तो इसलिए हमने येलो कलर परचेस किया है। तो ये है हमारी टीवीएस राइडर 125। वैसे इस गाड़ी के गियर की बात करूँ आपको, तो 1 down and 4 up 5 गियर है ऐसे। सो येलो कलर बहुत प्रीमियम लग रहा है, बहुत क्लासिक। तो सबसे पहले हम इसके लुक के बारे में बात करेंगे, तो आओ। तो सबसे पहले हमारी इन्होंने मीटर प्रोवाइड किया है, तो मीटर देखेंगे इन्होंने किस तरह से इसका मीटर है। तो मैं इसको ऑन करता हूँ बाइक को। तो इन्होंने डिजिटल मीटर प्रोवाइड किया है, वैसे तो एनालॉग मीटर अभी बंद हो गया है इसका लोगो। और यहाँ पे आपको दिखाता हूँ मैं, यहाँ पे इन्होंने टाइमिंग दी है, यहाँ पे कुछ तो भी ये सर्विसिंग का इंडिकेशन दिखा रही है। इस बाइक को अभी सर्विसिंग की जरूरत है, तो यहाँ पे एबी साइन यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं। यहाँ पे इंजन में कोई प्रॉब्लम आती है तो वो भी यहाँ पे शुरू होता है। और इस मीटर की और एक खास बात बताऊं मैं आपको, तो यहाँ पे कुछ इन्होंने एक अलग चीज, एक नया फीचर यहाँ पे ऐड हुआ है। तो यहाँ पे हमारी बाइक कौन से गियर में चल रही है वो भी यहाँ पे शुरू होता है। मैं गियर चेंज कर रहा हूँ, देखो वहाँ पे गियर चेंज हुआ है, 1 2 3 4 एंड दिस इज। तो क्या होता है, हमें गाड़ी का गियर कभी पता नहीं होता, तो यहाँ से आप देख सकते हो आपकी गाड़ी कौन से गियर में चल रही है। तो ये एक न्यू फीचर ऐड हुआ है यहाँ पे। तो यहाँ पे सेफ्टी को ध्यान में रखी हुई इन्होंने एक और एक नया फीचर ऐड किया है, स्टैंड साइड करने के लिए बोल रहा है, यहाँ पे इंडिकेशन भी दिखा रहा है। तो अगर आपकी गलती से यहाँ पे ध्यान नहीं जाता, और अगर आप गाड़ी चालू भी करते हो, और गाड़ी थोड़ी चालू तो हो जाएंगी, लेकिन अगर आप गियर चेंज कर दोगे तो गाड़ी आपकी आगे बढ़ेगी नहीं, क्योंकि यहाँ पे आपका स्टैंड जो है ना वो कहीं ना कहीं आपने ऊपर करना भूल गए। तो जैसे ही इसको ऊपर करते हो यहाँ का इंडिकेशन गैप हो गया, ठीक है। तो अब आते हैं इस बाइक के सबसे मेन पार्ट पे, जो सबसे सेक्सी और सबसे मुझे सबसे ज्यादा पसंद आया है। बाइक का सबसे सेक्सी कोई लुक है ना, तो इस बाइक का हेडलाइट। सो यहाँ पे इन्होंने एक LED लैम्प प्रोवाइड किया है, और इसका हेडलाइट इतना स्पोर्टी और इतना सेक्सी लग रहा है ना भाई, क्या बताऊं मैं, बहुत जबरदस्त लग रहा है मेरे को इसका हेडलाइट, और उसके साथ में इसका टेल लाइट। सो बहुत ही स्पोर्टी सा लुक देता है। और एक चीज यहाँ पे ऐड हुई है, यहाँ पे GPS है, तो यहाँ पे आपकी बाइक को चुरा के ले जाता है, तो यहाँ पे इस GPS से आप अपनी बाइक को ट्रैक कर सकते हो, आपके बाइक की लोकेशन ढूंढ सकते हो। तो ये एक नया फीचर मुझे बहुत पसंद आया। यहाँ पे आपको एक इको मोड और एक पावर मोड दो ऑप्शन मिलते हैं। तो पावर मोड से अगर आपको गाड़ी को रेसिंग देना है तो रेसिंग दे सकते हो, इको मोड अगर आपको गांव में वगैरह रहते हो तो वहाँ पे आप चला सकते हो इको मोड में, लेकिन आपको अगर पावर मोड में चलाना है, रेसिंग देना है, तो आप इसको पावर मोड में चला सकते हो। फिलहाल इसको इको मोड में सेट करके रखते हैं। तो इसका ग्रैब हैंडल मेटालिक है, तो अच्छा है, ठीक है, फिर भी नॉर्मल लुक दिख रहा है इसका, कोई हार्ड नहीं, लेकिन फिर भी बेस्ट है ये वाला, मेटालिक है ना इसलिए। और उसके बाद में इन्होंने TVS का यहाँ पे अपना ब्रांडिंग किया है। तो टैंक जो ये फाइबर का बना है, तो यहाँ पे आपको आवाज़ भी आ रहा है, और उसके अंदर मेटालिक प्रोटेक्शन है। तो इसकी कैपेसिटी है 11 liters की, जो कि आपके लिए सफिशियंट है। तो हर एक स्पोर्ट बाइक में इस तरह से वो डालते हैं, तो मुझे बहुत सही लगता है ये वाला भी। ये ब्रेक तो मुझे ठीक ही लग रहा है इसका। तो इस गॉगल की आपको मेन खासियत बताओ, तो अगर आप इसमें कितना, अगर आप 1 liter या कितना 2 liter जितना भी फ्यूल भरते हो, तो अगर आप जैसे इसमें फ्यूल ऐड करते हो, तो यहाँ पे डिस्प्ले में आपको शो हो जाता है कि आपकी गाड़ी कितना किलोमीटर तक के रन कर सकती है। तो ये बहुत अलग अलग चीज़ें अपडेट हो रही है जमाने के हिसाब से, तो ये बहुत सही चीज़ लगती है मुझे। वैसे तो TVS ब्रांड हर एक लुक में कुछ अलग अलग मॉडिफिकेशन करता है, सो ये वाला इसका मॉडिफिकेशन मुझे बहुत ही प्यारा लगा यार, सच बता रहा हूँ। तो आप बताओ मुझे, मैं बार बार एक ही चीज़ कह रहा हूँ, इस बाइक की मुझे हेडलाइट इतनी पसंद आई,
सच बता रहा हूँ आपको, इस बाइक की हेडलाइट बहुत प्यारी है भाई, बहुत सेक्सी है इस बाइक की हेडलाइट। ये इतना प्यारा लग रहा है ना, ये टेल लाइट बहुत ही सेक्सी लुक में डिजाइन किया है इन्होंने टेल लाइट को, सो आप देख सकते हो। तो ये मुझे सारी और थोड़ा बहुत ओल्ड फैशन में लगा, तो अगर इसको थोड़ा अच्छा डिजाइन किया होता तो बहुत जबरदस्त दिख रही थी बाइक। तो यहाँ से अब हम नीचे आते हैं, तो ये जो चैन लगाई इन्होंने, तो यहाँ पे फुल प्रोटेक्शन तो नहीं दिख रहा मुझे ये वाली इसमें सबसे, और एक डिसएडवांटेज लगा मुझे, एक चीज इसमें मिसिंग है। तो अब मैं इस बाइक का एक हॉर्न टेस्ट करता हूँ कि कैसा साउंड करता है, आपको बताऊंगा मैं। हॉर्न भी बहुत सही है इसका। वैसे बताओ तो इसका सेल बहुत कमाल का है, जैसे इसको हल्का सा टच भी किया ना तो गाड़ी स्टार्ट हो जाती है। और वैसे इसके एग्जॉस्ट की बात करूं तो बहुत स्पोर्टी सा साउंड आता है इसका, एग्जॉस्ट बहुत जोरदार है इसका। तो आपको इसका साउंड सुना दो मैं, बस भाई मैंने बस सेल को हल्का सा टच किया, आपको फिर से एक बार दिखा रहा हूँ। ओके गाड़ी चालू किया मैंने अभी, सो सेल को अगर आप हल्का सा भी टच करते हो ना, गाड़ी चालू हुई, तो एग्जॉस्ट बहुत ही जबरदस्त साउंड करता है, बहुत ही खतरनाक। तो ये बहुत खास बात लगी मुझे इस बाइक में, सच बताओ आपको, किकलेस बाइक है। और तो आपका गार्ड, ये आपका इंजिन, ये गार्ड थोड़ा मुझे छोटा लगा। वैसे इसके गियर के बारे में बात करूँ आपको, तो 1 डाउन एंड 4 अप ऐसे 5 गियर है, जो कि आजकल हर बाइक में देखने को मिलते हैं हमें। वैसे ये तो बाइक मुझे तो बहुत स्पोर्टी सा सेक्सी सा लुक दिख रहा है इसका। और ये यहाँ पे इनका ब्रांडिंग। और इसकी सीट के बारे में बात करूँ आपसे, अगर इसके सीट के बारे में अगर मैं आपसे बात करूँ, तो सीट वाइड है, पीछे की सीट भी वाइड है, लेकिन राइडर रहेगा उसको तो बहुत कम्फर्ट फील होगा। तो यहाँ पे थोड़ी स्टेपिंग दिख रही मुझे, सो इस पिलियन सीट के नीचे थोड़ी स्पेस मिलती है, तो देखेंगे हम कितनी स्पेस मिलती है। यहाँ से डिक्की को ओपन करते हैं। ओके तो भाई साहब ने अपना कुछ अलग ही सामान रख दिया है, क्या रख दिया इन्होंने? यहाँ पे कंपनी ने यहाँ पे कुछ फर्स्ट एड किट प्रोवाइड की है, और उसके साथ में ये कुछ, अगर आपकी बाइक कहीं पे बीच रास्ते में अगर खराब होती है तो यहाँ पे कुछ इन्होंने एक्सेसरीज दी है, आप अपनी गाड़ी कुछ ठीक कर सकते हो। तो यहाँ पे आप चार्जिंग के लिए भी कुछ दिया है यहाँ पे, लेकिन इन्होंने कवर किया है तो आपको नहीं दिखा सकता अभी मैं। और उसके साथ साथ यहाँ पे GPS ट्रैक भी है, मतलब अगर आपकी गाड़ी कहीं किसी ने चुराई होगी तो आप उसका लोकेशन फाइंड कर सकते हो GPS की मदद से, ब्लूटूथ की मदद से। सो ये यहाँ पे चीज बेस्ट लगी है मुझे। और बाकी आपकी टेल लाइट और ये टायर्स। तो सबसे पहले मैं इस गाड़ी की एडवांटेजेस की बात करूँ, कि यहाँ पे इन्होंने जिस तरह से बाइक को डिजाइन किया है, तो जैसे कि आपको मैंने बताया कि यहाँ पे कीक अवेलेबल नहीं है, तो इन्होंने इसके सेल्फ को इतना स्ट्रांग बनाया है। सबसे ज्यादा मुझे ऐसा लगता है कि इन्होंने अपने सेल्फ पे ज्यादा वर्क किया होगा, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने किक प्रोवाइड ही नहीं किया। मतलब ये बहुत यूनिक चीज लगी मुझे, बहुत ही अलग ही टाइप का मिसिंग लगा। तो अब हम बात करते हैं इस बाइक के ड्रॉबैक के बारे में। तो सबसे पहला ड्रॉबैक बताओ आपको, तो इस बाइक का जो टैंक है वो फाइबर का बना है, मतलब अगर आपका कभी गलती से एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है, अगर आपकी बाइक कभी गिरती है गलती से, तो वो टूट जाने का पूरा बहुत चांसेस है। तो ये मुझे सबसे ज़्यादा डिसएडवांटेज लगा इस बाइक का। वैसे बाकी लुक तो बहुत क्लास है, लेकिन देखो आपको यहाँ पे आवाज़ भी आता है, देखो यहाँ पे आवाज़ भी आ रहा है आपको, तो ये मुझे एक डिसएडवांटेज लगा इस बाइक का। और सेकंड डिसएडवांटेज आपको बताऊँ, तो इस बाइक के जो टायर है उसमें ग्रिप अच्छी नहीं लगी मुझे, बाकी ओवरऑल बाइक सब फाइन है। तो अब मैं इस गाड़ी को चला के देखूंगा, मेरा एक्सपीरियंस क्या है इस गाड़ी को चलाने के बाद में आपको पता चलेगा जल्दी ही। तो सबसे पहले मैं इस गाड़ी को स्टार्ट करता हूँ, तो कुछ थोड़ा होंडा हॉर्नेट में बैठने के बाद जो फील आता है ना, कुछ उस तरह से मुझे फील आ रहा है। और थोड़ा स्पोर्टी सा लुक दिख रहा है आप मुझे बाइक का, और स्पोर्टी जैसा शायद आपको भी दिख रहा होगा, बहुत सेक्सी लग रहा है मुझे यहाँ पे बैठने के बाद। और वैसे मैं सीट की बात करूँ, तो सीट बहुत कंफर्टेबल है यहाँ पे, मैं तो ईजिली राइड कर सकता हूँ। और यहाँ पे पीछे की सीट
भी एकदम सेम है। न्यू जनरेशन की लड़की को जिस तरह से गाड़ी चाहिए मुझे लगता है कि उसके लिए गाड़ी ठीक है। तो सबसे पहले आपको स्टैंड ओपन करना पड़ेगा तभी आपकी बाइक स्टार्ट होंगी। ओके बॉयज, सो ये गाड़ी न्यूट्रल है तो यहाँ पे दिखा रहा है, यहाँ पे न्यूट्रल लेकर के तो यहाँ पे तो वैसे दिखा रहा है सभी बाइक में, लेकिन मेन चीज आपको बताऊँ आपकी गाड़ी कौन सी गियर में है, फर्स्ट गियर में, सेकंड गियर में, वो भी चीज यहाँ पे बताती है, वो भी चीज आपको शो होती है। जैसे आपको दिखाता हूँ मैं, जैसे मैं आपको फर्स्ट गियर में डाल के दिखाता हूँ मैं। ओके सो मैंने गाड़ी स्टार्ट कर दी है, जैसे मैं गियर चेंज कर रहा हूँ देखो वहां पे गियर चेंज हुआ है, 1 2 3 4 एंड दिस इज। अभी मैं इस गाड़ी को चला के देखता हूँ, मैं मेरा एक्सपीरियंस आपको बताऊंगा। मैंने गाड़ी राइड कर ली है, गाड़ी का मैंने आपको एक्सपीरियंस बताऊँ तो मेरा एक्सपीरियंस क्या है गाड़ी से लेने के बाद आपको बता दूँ तो गाड़ी थोड़ी स्मूथ है। और मेन चीज़ आपको बताऊँ तो अगर हम उसको सेल को अगर हल्का सा भी टच भी कर देना तो फिर भी वो बहुत ऑटोमेटिकली बहुत फास्टली गाड़ी चालू हो जाती है। तो अब फाइनल टाइम आता है इस बाइक की कुछ डिसएडवांटेजेस बताने का। तो मैं सबसे पहले बताऊँ सबसे मेजर प्रॉब्लम लगा मुझे इस बाइक में, तो ये मतलब तो ये इस बाइक का जो फाइबर की टैंक है ऊपर से फाइबर का बनाया है, तो अगर आपका गलती से एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है तो इसमें स्क्रैचेस और ये फूटने की चांसेस बहुत ज्यादा है। और ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक लगा मुझे इस बाइक में। बाकी बाइक बहुत सेक्सी है, बहुत ही स्पोर्टी सा लुक है। अगर आप इस गाड़ी को पावर मोड में चलाते हो और अगर आपकी बाइक की स्पीड 100 के ऊपर है तो यहाँ पे थोड़ा बहुत वाइब्रेशन फील होता है। तो मेरे ख्याल से भी इस बजट में ये बाइक बेस्ट है। तो ये कुछ इस तरह से हमारी है TVS Raider 125। बाइक को लेके मेरा ओपिनियन क्या है उसके बारे में अगर आपको बताऊं तो बाइक बहुत शानदार है, बहुत स्पोर्टी सा और बहुत सेक्सी लुक है जो मुझे बहुत पसंद आया है। तो उसकी फ्यूल टैंक है तो उसके ऊपर का जो फाइबर का जो बना है तो शायद अगर उन्होंने उसको मेटल में रिप्लेस किए होंगे तो शायद गाड़ी बहुत बेस्ट रहती, क्योंकि एक्सीडेंट वगैरह में उसको डैमेज होने का बहुत ज़्यादा चांसेस है। तो कहीं ना कहीं अगर आप कहीं गिरते भी हो तो आपकी गाड़ी का जो लुक है ना वो कहीं ना कहीं खराब हो जाता है। तो यही एक मेजर डिसएडवांटेज लगा मुझे इस बाइक का। बाकी एडवांटेजेस और इसकी फीचर्स के बारे में आपको बताया मैंने। तो ये था हमारा आज का वीडियो, आई होप आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। वैसे मैंने फर्स्ट टाइम ऐसे बाइक का वीडियो बनाया है, तो अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करने की आदत डाल दो भाई। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लव यू, बाय बाय। मयूर भाई ब्लॉग थैंक यू सो मच। क्या नाम है आपका और आप सबका? ओके थैंक यू सो मच।
चैनल का नाम क्या है? मयूर भैसारे। अच्छा चलो बाय।